हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा, भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो गुड न्यूज़ है आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए कि सीआरपीएफ की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आती है, आपको पता ही होगा। ये जो वैकेंसी निकल के आई है, बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकल के, ग्रुप बी ग्रुप सी, ठीक ना, सबके लिए वैकेंसी निकल के आई है। आप लोग इसको देख भी सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटायरमेंट नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन मटेरियल नॉन गजेट, यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा गया। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल, सिविल, एएसआई टेक्निकल, ड्राफ्टमैन, सभी लोग के लिए। ओके, अब बात करते हैं मेन चीज़ पे, अप्लाई कब से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 1/5 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लारी आप लोग का 21/5/2023 रहने वाला है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम, आप लोग का एक्सपेक्टेड यहाँ पर डेट यही दिया गया है 24/25 आप लोग का 6 में आप लोग का हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट देख लीजिए और यहाँ पर पे लेवल देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए। आप लोग पे मैट्रिक्स आप लोग का यहाँ दिया गया कि भैया 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला। उसके बाद से जैसे कि आप लोग का पोस्ट है, ठीक ना, सब इंस्पेक्टर आर ओ में, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में, सब इंस्पेक्टर सिविल मेल में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन में, ठीक है। ग्रुप बी ग्रुप सी का ये पोस्ट है और पे मैट्रिक्स आप लोग का यहाँ दिया गया, मतलब लेवल 6 लेवल 5 ये सब चीज़ दिया गया। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इजीली तरीके से इसको पहले पढ़ना, साफ साफ से पढ़ना, क्योंकि मैं पूरा अगर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन चीज़ को आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा ब्यौरा दिया गया है कि भैया किसमें कितना सीट आप लोग के लिए निकाला गया है। 19, 7, 5, 20, 146 किसमें है जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, ठीक ना। उसके बाद से ड्राफ्टमैन, ये सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के सब यहाँ पे टोटल आप लोग का 5-15 है। टोटल आप लोग का 212 सीट पर वैकेंसी निकल के आई है, ठीक ना। 212 कम नहीं होता है यार, ठीक है, गुड न्यूज़ है। आप देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, तो और भी चीज़ यहाँ पे एज की बात किया गया कि भैया एज आप लोग का कम से कम बोला गया है। अलग अलग पोस्ट पे आप लोग का एज आप लोग का रहने वाला 21 से 30, 21 से 25 आप लोग का यहाँ दिया गया। आप लोग जैसे कि देखिए पोस्ट वाइज है, देखिए 18 से 25 दिया गया। उसके बाद से आप लोग जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक, टेक्निकल ड्राफ्टमैन के लिए, उसके बाद क्रिप्टो टेक्निकल और रेडियो ऑपरेटर के लिए 18 से 30, तो ये नॉर्मल मतलब यू आर के लिए है। अदरवाइज अगर आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST फॉर OBC कैंडिडेट हैं, तो आप लोग को उसी में आप लोग को छूट मिल जाएगा, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है आप लोग को मिल जाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं और भी जो यहाँ पे दिया गया आप लोग के लिए क्या क्या, आप लोग को मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे कि जो हायर पद है, ठीक ना, जैसे कि आप लोग का सब इंस्पेक्टर आर ओ के लिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि बैचलर डिग्री है इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज विथ यहाँ पे मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए एज ए सब्जेक्ट बोला गया, ठीक ना। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज विथ यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें भी बोला गया। क्रिप्टो में भी भरोगे तो सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में भरोगे तो BBTech मांगा गया। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद से आप लोग को जैसे कि क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इंजीनियरिंग से, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ दिया गया है। तो एलिजिबल फॉर्म को सब इंस्पेक्टर के लिए है, मेल के लिए यहाँ पर बोला गया इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा है। एलिजिबल फॉर्म को भरने सब इंस्पेक्टर या टेक्निकल के लिए 10th पास हो, ठीक ना। एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर देखो बता दिया है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर से हो, रेडियो इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा की हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, BSc की हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। डिजाइबल में यहाँ पर दिया गया, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लेना। अब ITI वाले कैंडिडेट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आप लोग का ITI का है स्पेशल, यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया 10th पास है, ठीक ना, देखिए बोला गया कि भैया आप 10th पास हो, मैट्रिक्स विथ इंग्लिश जनरल साइंस एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स सिविल मैकेनिक्स। सॉरी, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई आई टी आई वाले की नहीं है, ये ड्राफ्टमैन के लिए है और ये 3 साल का सिविल मैकेनिक या ड्राफ्टमैन में मांगा गया। ओके, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर पास है, AICTE द्वारा अप्रूवल है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप लोग ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फीस आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग माफ़ कीजिएगा, मैं ITI वालों को बोल, फीस आप लोग का रहने वाला जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ फी रहने वाला, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 100 रुपया 200 रुपया जो चार्ज रखा गया यहाँ पे आप लोग देख लेना। ओके,
अभी आप लोग का सेंटर है ठीक ना, जैसे कि सिटी ऑफ सेंटर रिटर्न जो आप लोग का एग्जाम होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख आंध्र प्रदेश से आप लोग का ये है, केरला में कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, जैसे कि ये सब चीज़ आप लोग का दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ेगा, केरला में कहाँ कहाँ आप लोग सेंटर बन सकता है, महाराष्ट्र में कहाँ हो, उत्तराखंड में कहाँ, वेस्ट बंगाल में कहाँ, मणिपुर में कहाँ, बेंगलोर में कहाँ, मिजोरम में कहाँ, यहाँ नागालैंड में, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में कहाँ कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ आप लोग को मैं बिहार को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बिहार के लिए कहाँ है ये देखिए, जैसे कि तेलंगाना, तेलंगाना में हैदराबाद आप लोग का, यहाँ पर क्रीमानगर ठीक ना, मुरादाबाद, यहाँ पे वरंगल, ये आप लोग का ये रहने वाला ठीक ना, अब स्कीम ऑफ ये आप लोग का एग्ज़ाम ठीक ना, यहाँ पर सीबीटी के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी होगा, उसके बाद से आप लोग का मेडिकल होगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अब 100 जैसे 100 क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो दोनों के लिए देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भैया 20-20 जो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 20, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से 20 और 10 ग्रामर से रहेगा ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमम मार्क्स आप लोग का ये दो दो, एक क्वेश्चन दो मार्क्स होगा यहाँ पर दिया गया, टोटल 20-40 अब 10 यहाँ पे 20-40, 40-80, 20-100। अब उसके बाद से फेज टू होगा ओके, यहाँ पर भी वही है, फेज टू में मतलब प्रीमियम्स और मेंस दोनों होगा, तो यहाँ पर आप लोग जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का यह बोला गया है कि क्वेश्चन विल बी विल फ्रॉम एक्सेप्टेड ऑफ फिजिक्स कम, यहाँ पे मैथमेटिक्स एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 30 नंबर का ये रहेगा, मतलब 2 नंबर का ये भी है, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड से आप लोग का कंप्यूटर साइंस से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर भी आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, सबका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो आप लोग का रहने वाला, मैथमेटिक्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग का, और 100 मार्क्स के यहाँ पे ये रहने वाला है ठीक ना, उसके बाद से और में दिया गया बीटेक स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकॉम्स, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका ब्रांच है, उसी से क्वेश्चन पूछा, जैसे सिविल से है, मेल वाला, तो यहाँ पे अपना देख लीजिएगा, जैसे नीचे आओगे तो ASI टेक्नीशियन के लिए है, उसके बाद ड्राफ्टमैन वाले के लिए यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मैं इसका लिंक दे दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, व्हाट्सअप ग्रुप भी आप मैं बना दिया हूँ आप लोग के लिए भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी जब आती है प्राइवेट से या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से, तो मैं वीडियो अपडेट नहीं देता हूँ, मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ ठीक है, तो आप लोग जुड़ के रहो। हाइट उट यहाँ पर देखिए बताया गया कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, OBC जनरल से बिलोंग करते हैं तो, फीमेल के लिए 157 ठीक है, और आप लोग का चेस्ट जो होना चाहिए आप लोग का नॉर्मल 80 और एक्सपेंड करने के बाद 5% खुलना चाहिए ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया, इसका इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग को और भी चीज़ जैसे कि टाइमिंग आप लोग को जो आप लोग का रेस होगा ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ यहाँ पर देखे दिया गया, लॉन्ग जंप आप लोग समझिए 3.65 मीटर आप लोग का 3 चांस आप लोग मिलेगा, हाई जंप आप लोग को 1.5 मीटर से 3 चांस आप लोग इसमें भी मिलेगा, शॉर्ट पुश आप लोग को 16 मारना पड़ेगा, 4 मिनट 4.5 मिनट में आप लोग का 3 चांस इसको भी आपको दिया जाएगा। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बोला गया, ये देखिए ASI, देखिए ASI रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो टेक्निकल, ASI टेक्निकल सबके लिए है ठीक है, और उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर फीमेल वाले के लिए यहाँ 800 मीटर दौड़ना पड़े 4 मिनट में भी ओके, उसके बाद से यहाँ पर 9 फीट आप लोग को 3 चांस मिलेगा, आपको 9 फीट आप लोग को लॉन्ग जंप मारना होगा, हाई जंप आप लोग को 3 फीट आप लोग 3 चांस मिलेगा ओके, आप लोग पुशअप नहीं मारना, आप लोग को टाइमिंग यहाँ पे दिया गया भैया 1.5 किलोमीटर आप लोग को 9 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पे ज़्यादातर कुछ अब नहीं दिया गया, बस आप लोग को वही चीज़ था आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, और कुछ नहीं है इसमें ठीक है, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना, ग्रुप में मैं सब चीज़ अपडेट दे दूँगा, और इसका अप्लाई लिंक मैं अपडेट दे दूँगा वीडियो के नीचे में ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर रखो, तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ।